इस वीडियो में मैं आपको डायमेंशन ऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं तो यहां पर मैंने एक कॉलम सेंटर लाइन प्लान बना रखा है सिविल आर्किटेक्चर वाले इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर लाइन प्लान है इसमें बहुत ही ज्यादा कॉर्डिनेट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें हर कॉलम का यहाँ पर कॉर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो जीरो होगी तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉर्डिनेट फाइंड करने की बात करें तो यहाँ पर हमें एनोटेशन टूल बार में यहाँ पर भी ऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप एनोटेट में जाकर भी यहाँ से भी ऑर्डिनेट्स ले सकते हो देखिए ये है तो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और अगर मुझे इस कॉलम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल इस सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा रेफरेंस पॉइंट पे और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें शो करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट शो कर रहा है इस कॉलम का मगर ये जो वैल्यू है बिल्कुल अलग तरह की है तो इस तरह की वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट मतलब ये जो जीरो सेट हुआ है उस पे अपने इस ओरिजिन पॉइंट को सेट करना होगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कोऑर्डिनेट्स देने से पहले आपको इसके ओरिजिन को क्लिक करके आपको इस रेफरेंस पॉइंट पे सेट करना होगा बिल्कुल इस रेफरेंस पॉइंट पे तो यहां पर हमारा एक्स वाई एक्सिस यहां पर सेट हो गया है बिल्कुल ओरिजिन पे तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट में हमने सेट किया है अगर अब हम लोग यहां पर ऑर्डिनेट लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें यहां पर सिक्स इंच मिल रहा है तो यहां पर हम लोग डायमेंशन स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डी एंटर और यहां पर मॉडिफाई पे जाते हैं मॉडिफिकेशन सिर्फ करना है हमें न्यू न्यू स्टाइल बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई पे चला जाता हूं और यहाँ पर हम लोग जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स में सबसे पहले यहाँ पर कॉमा की जगह हम लोग पॉइंट ले लेते हैं मतलब जो वैल्यूज मिलेंगे वो पॉइंट में और हम क्योंकि फीट इंचस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आर्किटेक्चरल सेट करना होगा और यहाँ पर प्रिसीजन हम लोग हाफ इंच सेट कर सकते हैं तो फीट इंचस में अगर आप काम कर रहे हो तो ये सेट करना आपको जरूरी है तभी आपके यहां पर फीट इंच में वैल्यूज आपको मिलेंगे और यहां पर आप सप्रेस ट्रेलिंग जीरो पे भी चेक मार्क कर सकते हो इन दोनों पे तो यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरो होगा वो नहीं शो करेगा तो ओके okay करेंगे क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिक्स इंच शो कर रहा है मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से इस कॉलम का जो सेंटर है वो वर्टिकली सिक्स इंचस पे है तो यहां पर हमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स शो करेंगे तो इसी तरह से सभी कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर दिखा सकते हो ऑर्डिनेट और इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेट दिखा सकते हो यहाँ पर स्पेस करके रिपीट करेंगे उसी तरह से इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो स्पेस इस, इस इसके भी कोऑर्डिनेट और अगर आपको हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स शो करने हैं तो यहां पर स्पेस करके इस अक को इस ग्रिड लाइन पे क्लिक करना होगा और इस तरह से स्पेस करके रिपीट करके आप सारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर डाल सकते हो इजीली तो देखिए यहां पर सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर शो कर रहे हैं तो इस तरह से आप सभी लाइन के यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो अगर इनके बीच का गैप आपको शो कराना है तो आप यहां से ले लीजिए लीनियर डायमेंशन या फिर क्विक डायमेंशन क्विक डायमेंशन से भी काम हो जाएगा इन सारे लाइन पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पर क्लिक कर देंगे बीच में बिल्कुल या फिर साइड में भी क्लिक कर सकते हो तो देखिए इनके बीच का सारा डिस्टेंस आपको दिखा रहा है या फिर तो यहां पर लीनियर लेंगे और यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करेंगे और यहां पर जाएंगे इस पे सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जाने के बाद कंटिन्यू डायमेंशन करेंगे और यहां पर इस पॉइंट पे क्लिक फिर इस पॉइंट पे क्लिक और इस पॉइंट पे क्लिक तो इनके बीच का गैप भी आप इस तरह से कंटिन्यूस डायमेंशन यूज करके दिखा सकते हो और टोटल डायमेंशन भी दिखा सकते हो यहां पर सिंपल आपको इन दोनों लाइन्स पे क्लिक करके इस तरह से शो करना है तो आपके एक कॉर्डिनेट्स भी यहां पर शो कर कॉर्डिनेट्स भी यहाँ पर शो कर दिए और यहां पर टोटल डिस्टेंस भी यहां पर शो कर दिया तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो रेफरेंस पॉइंट आपको सेट करना होगा एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन तो यहां पर आप ड्रैक करके इजिली सेट कर सकते हो तो ये हो गया हमारा कॉर्डिनेट्स के बारे में